राज्य में बिजली कमी की समस्या के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है और राज्य में अघोषित लोड शेडिंग सत्र चल रहा है। पिछले 3 सप्ताह से बिजली गुल हो रही है, जिससे राज्य के कुछ हिस्सों में 6 घंटे तक बिजली गुल रही। हालांकि सरकार ने जमानत राशि को दोगुना कर उपभोक्ताओं की जेब काटने का राक्षसी फैसला लिया है। अब इस चीज के विरोध में भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा, ऐसा इशारा विधायक चंद्रशेखर बावनकुए ने शुक्रवार को आयोजित पत्रकार परिषद में दिया। राज्य में पिछले करीब 3 सप्ताह से सत्ता का खेल चल रहा है। सरकारी दफ्तरों के हजारों करोड़ बकाया, आम ग्राहकों की बिजली बिल के नाम पर वसूली और बिजली कटौती, खराब प्रबंधन के चलते कोयले की किल्लत, गर्मी में बिजली गुल होने से राज्य का बिजली प्रबंधन पूरी तरह से डामाडोल हो गया है। इस पृष्ठभूमि में पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि इस बार मेंटेनेंस रिपेयर के नाम पर राज्य सरकार बिजली आपूर्ति बंद कर हजारों परिवारों की रोजी रोटी को कम करने की कोशिश कर रही है। महाविकास आघाड़ी सरकार नाकर्तेपणामुळे महाराष्ट्र 2500 मेगावाट लोड शेडिंग गेलेला आहे। 1500 वर अघोषित लोड शेडिंग आहे, 4000 मेगावाट लोड शेडिंग आहे, नक्षलाइट एरिया सुद्धा लोड शेडिंग आहे, आदिवासी भागात लोड शेडिंग आहे, शेतकऱ्याला 2 तास वीज मिळता आहे आणि केंद्र सरकारच्या नावानं खोटं बोलून हे सरकार जाणीवपूर्वक महाराष्ट्राच्या जनतेला फसवत आहे। केंद्राने जानेवारी फरवरी मार्चमध्ये 22 दिवसाचा कोळसा उचला असं वारंवार सांगितलं, रेल्वे तयार झालं यांनी उचलला नाही, यांच्याकडे कॅश फ्लो नाही, 18000 कोटी रुपये वित्त विभागाने आणि राज्य सरकारच्या इतर विभागाने थांबवले आहे आणि म्हणून यांनी तो त्या ठिकाणी कोळसा उचलू शकले नाही, मेंटेनन्स करू शकले नाही। आज 7 पॉवर स्टेशन बंद पडलेले आहे, 2300 मेगावॅट कॅपॅसिटी बंद पडलेली आहे। ही जर कॅपॅसिटी सुरू झाली तर राज्य लोडशेडिंग मुक्त होऊ शकतं। या सरकारने जाणीवपूर्वक राज्य लोडशेडिंगमध्ये टाकून प्रायव्हेट वीज खरेदी करायची, त्यामध्ये भ्रष्टाचार करायचा, याकरता हे षडयंत्र आहे। जानेवारीपासून यांनी 25% रेट वाढवले आहे, एप्रिल मे जूनची वीज बिलाची वाढ ही 25% जास्त रेटनी येणार आहे आणि या सरकारने या महाराष्ट्राला फसवला आहे, अंधारात नेला आहे। देवेंद्र फडणवीस सरकारने यापेक्षाही जास्त वीज पुरवली, कधी लोड शेडिंग झाला नाही। या महाराष्ट्रात लोड शेडिंग मुक्त झाला महाराष्ट्र होता, 45 लक्ष शेतकऱ्याला वीज दिली, कधी लोड शेडिंग झाली नाही। उन्हाळी धानाला वीज दिली, कधी लोड शेडिंग झाली नाही। पण या महाराष्ट्राला फसवण्याचं काम आणि भ्रष्टाचाराकरता प्रायव्हेट वीज खरेदी करण्याचं षडयंत्र लोड शेडिंगच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे। राज्य सरकार की इन गलत नीतियों के चलते राज्य भर के भाजपा कार्यकर्ता ठाकरे सरकार के विरोध में सड़कों पर उतरेंगे। ये कार्यकर्ता बिजली बोर्ड कार्यालय पर धरना देंगे और रखरखाव मरम्मत के नाम पर लगाए गए लोड शेडिंग को पूरी तरह से उलटने के लिए आंदोलन करेंगे, ऐसी चेतावनी भी इस दरमियान बावनकुले ने दी।